स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर चैनल पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए ज्योग्राफी का क्लास 9 चैप्टर 3 जो कि ड्रेनेज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम जाने थे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम जाने थे हिमालयन रिवर क्या होता है और पेनिनसुलर रिवर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट 2 में हम देख डिस्कस सिर्फ नाम किए थे और मैप में देखे थे कि कहाँ से और कैसे कहाँ पे कहाँ कौन सा रिवर फ्लो होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और देखते हैं हम हिमालयन रिवर के बारे में। उस वीडियो में मैं बोला था हिमालयन रिवर में मैं एक ही शॉट में तीनों रिवर को कवर करने की कोशिश करूँगा, तो इसके बाद इतना अभी हम डिस्कस कर लें। इसके बाद हम फिर दोनों रिवर को और जो इंदस एक रिवर है हिमालय का और सेकंड गंगा है, थर्ड ब्रह्मपुत्र, हम तीनों डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालयन रिवर क्या होता है, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप सबके साथ। ऐसा रिवर जो हिमालय से जिसका क्या हो ओरिजिन हो, ऐसा रिवर जिसका हिमालय से क्या हो ओरिजिन हो उसको कहते हैं हम हिमालयन रिवर। ठीक है, तो हिमालयन रिवर जो है उसमें तीन रिवर्स के बारे में मैं डिस्कस किया था। पहला था हमारा इंदस जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सेकंड था हमारा, पहला हमारा हो गया इंदस, ठीक है, इंदस रिवर, और सेकंड है हमारा गंगा रिवर, और थर्ड हमारा होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन रिवर्स हैं जो कि हिमालयन में हम डिस्कस करेंगे और पहले भी हम देख चुके हैं इनको। तो इन तीनों रिवर में, ये तीनों रिवर का ओरिजिन कहाँ से, अगर ये हिमालयन रिवर है तो हिमालय से ओरिजिन है इनका। ठीक है, तो चलिए हिमालयन रिवर को डिस्कस करना चालू करते हैं। ए रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। एक रिवर का सिस्टम मतलब कि एक पूरा रिवर को सिस्टम कब हम कहेंगे, जब हम एक रिवर को एक हम ऐसे समझते हैं, एक हम रिवर, ये मेन रिवर है, मान लीजिए ये कोई एक रिवर है जो कि ओरिजिन हुआ है इस ग्लेशियर से, ये कोई ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हुआ है और वो फ्लो होते हुए इधर आ रहा है और यहाँ पर एक ग्लेशियर है उससे एक रिवर फ्लो होकर के इधर मिल रहा है, ये भी एक ग्लेशियर है, वहाँ का फ्लो होकर के वो भी यहाँ आकर के इस पॉइंट पर इससे मिल रहा है और इधर एक ग्लेशियर है उससे वो यहाँ पर आकर के वो मिल रहा है। तीनों तीन ग्लेशियर हैं, अलग अलग नाम है, तीनों तीन नदी हैं, ठीक है, और ये मेन रिवर है, सबसे ज़्यादा पानी इसी ग्लेशियर से निकल रहा है जो कि रिवर में, ये मेन रिवर में है। तो ये मैं बताया था आपको कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज आ करके क्या करते हैं, मेन रिवर में आ करके ट्रिब्यूट करते हैं, ट्रिब्यूट मतलब मदद करते हैं। तो ये ग्लेशियर का नदी, इसका ट्रिब्यूटरी हो गया किसका, मेन रिवर का, और ये भी रिवर किसका ट्रिब्यूटरी हो गया, मेन रिवर का। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उस पर टाइम ज़्यादा जाया नहीं करते हैं, हम समझते हैं रिवर सिस्टम क्या होता है। तो ये होल सिस्टम जो बना, ये जो होल सिस्टम बना किसका, ट्रिब्यूटरीज प्लस मेन रिवर का, ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर का, उसी को हम कहते हैं क्या, रिवर सिस्टम। मतलब कि एक पूरे रिवर के में जो आ करके सारे रिवर्स मिल रहे हैं, वो जैसा फ्लो हो रहा है जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उस रिवर का सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो मेजर जो हिमालय रिवर है वो तीन है, वो जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन रिवर हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इंदस रिवर को डिस्कस कर लेते हैं। इंदस रिवर क्या रिवर है, इंदस रिवर कहाँ से चालू होता है, ये सेकंड पार्ट में ही मैं आपको बताया, तिब्बत से चालू होता है और तिब्बत में भी कहाँ से, मानसरोवर लेक जो है, हम जब सब जानते हैं हमारा हिंदुत्व का हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं का हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ही बहुत करीब में तिब्बत एक कंट्री है, वहाँ से वो शुरुआत होता है, कौन सा, इंदस रिवर। ठीक है, और ये इंडिया में एंटर कहाँ पर करता है, लद्दाख में, इट एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख से ये एंटर करता है इंडिया में। ठीक है, लद्दाख में भी कहाँ, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं दमचौक, दमचौक एक लद्दाख में जगह है, वहाँ पर एंटर करता है इंदस रिवर। ठीक है, और इंदस रिवर क्या बताया, एक मेन रिवर का कुछ ट्रिब्यूटरीज होते हैं, मैं आपको बताया, तो इंदस रिवर के भी कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे जस्कर, नुब्रा, सहयोग और हंजा,
इन सब का नाम है, ये सब आपको कश्मीर रीजन में ही आपको मिल जाएंगे। ये सब भी एक एक ग्लेशियर से निकलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होंगे, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा निकलता है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम बहुत लोग सुने इसलिए क्योंकि इंडिया चाइना का वहाँ पर हरदम कॉन्फ्लिक्ट बने रहता है, इसी कारण बहुत लोग सियाचिन ग्लेशियर को जानते हैं। तो नुब्रा नदी जो है वो कहाँ से निकल के आता है, सियाचिन ग्लेशियर से, और वो इंडस में आकर के मिलता है, ठीक है। और ये भी उसी तरह, ये भी तीन नदी भी और कई ग्लेशियर से निकल निकल के आकर इस पर मिलते हैं, ठीक है। द सतलज, द ब्यास एंड द रवि, द चिनाब एंड द झेलम टुगेदर ज्वाइंड इन पाकिस्तान। जो सतलज नदी, आप सतलज नदी का जानते हैं आप भी, ठीक है। ब्यास नदी इंडिया में ही उत्तराखंड से शुरुआत होता है इसका। रावी भी आपको, रावी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश से शुरुआत होते हुए। चिनाब दो रिवर का कंट्रीब्यूशन के कारण बनता है चिनाब, ठीक है। और झेलम ये भी आपको हिमालय रेंज के ही रिवर हैं, ये भी फ्लो होते हुए इंडिया से ये कहाँ जा कर के मिलते हैं, पाकिस्तान में। किसको जा कर के मिलते हैं, इंदस को। मतलब कि ये पाकिस्तान, इंडिया से चालू होते हैं ये सब, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम, और कहाँ बह करके जाते हैं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में किसको जा कर के मिलते हैं वो लोग, इंदस को। इंदस में आपको पहले ही सेकेंड पार्ट में ही बताऊँ इंदस कहाँ जाता है फ्लो करके, पाकिस्तान, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है, इट फ्लोज साउथवर्ड इन पाकिस्तान, साउथ डायरेक्शन में जहाँ से वो शुरुआत होता है उसका, इंदस का, वहाँ पर, वहाँ से वो फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, साउथ डायरेक्शन में, और बह के किधर चले जाता है, पाकिस्तान। और कहाँ जा कर के गिरता है, अरेबियन सी, कहाँ पर, कराची के पास, ठीक है। आप अगर इंडिया का मैप इमेजिन कर पाएँ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ जगह बना पाऊँ यहाँ पर, इतना विजिबल है क्या, इतना विजिबल है, मैं एक रफ डायग्राम आपके लिए इंडिया का बनाया हूँ यहाँ पर, आपको फ्लो दिखाने के लिए। मैं आपको बताया था यहाँ कहीं से वो शुरुआत होता है किसका, इंदस का, एक ग्लेशियर बताया था आपको चेमा युंगडुंग नाम से, उसका नाम का जरूरत नहीं है, मैं आपको बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। एक ग्लेशियर बताया था चेमा युंगडुंग के नाम से, यहाँ पर जो कि स्थित है, वहाँ पर वो सिचुएटेड है, वहाँ से एक रिवर निकलता है जो ऐसे फ्लो होकर के कहाँ जाता है, पाकिस्तान, ठीक है। तो जस्ट पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान का जो मैप है ये इंडिया के ऐसे में है, ठीक है, ऐसे समझिए इसको, ब्लू से नहीं, मैं रेड से ही बनाता हूँ जो कि समझने में आसान हो, या ग्रीन से, ग्रीन से ही बनाता हूँ जो कि समझने में आसानी हो। वो पाकिस्तान का मैप इंडिया से कुछ ऐसे है, ठीक है, इधर आ करके वो थोड़ा ऐसे कर्व लिया है और वो इधर आ चुका है, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ है और ऐसे आकर के वो इंडिया में गुजरात से सटता है। और ये कौन सा रिवर है, यहाँ तक फ्लो होकर के आता है, कौन सा रिवर, इंदस रिवर है ये, ठीक है। देखिए ये मैं आपको क्या बताया इस पॉइंट में, वो साउथवर्ड फ्लो होता है, इंडिया का ये कौन सा पार्ट है, नॉर्थ, ठीक है। और वो इसका जो, ये जो इसका डायरेक्शन है वो साउथवर्ड, ये जो ग्लेशियर है ग्लेशियर का डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ पार्ट से, लेकिन ग्लेशियर का साउथ पार्ट से होते हुए वो सदर्न पार्ट में फ्लो होते हुए वो कहाँ जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान में भी कहाँ आकर के मिलता है वो, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, अरेबियन सी इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, आप सबको पता है। और अरेबियन सी में यहाँ पर एक जगह है कराची, आप सब जानते हैं कराची पाकिस्तान में, जैसे इंडिया में मुंबई है कैपिटल, ये क्या बोलते हैं, ड्रीम्स, सिटी ऑफ ड्रीम जो कहते हैं, और पाकिस्तान का सिटी ऑफ ड्रीम क्या है, कराची। तो कराची में आकर के वो किससे मिलता है, अरेबियन सी से, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। तो इंदस रिवर कितना लंबा है,
2900 किलोमीटर वो लंबा है, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ लोकेटेड और फ्लोज इन जम्मू कश्मीर। इंडिया में कहाँ पर दिखे आपको फ्लो होते हुए मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, कुछ हिमाचल प्रदेश का पार्ट में, और पंजाब से होते हुए ये कहाँ घुस जाता है? पाकिस्तान। तो कुछ पार्ट्स में आपको ये सब इंडिया का अवेलेबल है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, ठीक है। तो देखिए ये इंडिया से फ्लो होकर के कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान। और आप सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान में बात बनता नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का कुछ ना कुछ को लेकर के डिस्प्यूट बने रहता है, तो उनके बीच में हरदम लड़ाई का माहौल बने रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंदस रिवर बह करके जा रहा है पाकिस्तान, उसमें भी डिस्प्यूट ना हो। उसमें भी डिस्प्यूट है, ठीक है। क्या डिस्प्यूट है ये जान लीजिए। एक डिस्प्यूट है कि पानी जो फ्लो होकर के यहाँ से जाता है, यहाँ से कहाँ से, इंडिया से फ्लो होते हुए, इंडिया के पास के ग्लेशियर से फ्लो होते हुए कहाँ जा रहा है? वो पाकिस्तान। तो जो इंडिया क्या करता था, पानी इसका यूज़ कर लेता था बहुत, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये मेन रिवर है। पाकिस्तान का कौन सा मेन रिवर है? इंदस। जैसे इंडिया का मेन रिवर हम गंगा को मानते हैं, उसी तरह पाकिस्तान का मेन रिवर क्या है? इंदस। तो इंदस का पानी वो रोक लेता था। तो पाकिस्तान में क्या होता था, बहुत जगह पानी का शॉर्टेज होता था। तो पाकिस्तान उस चीज़ को रोकने के लिए, इंडिया को मना करने के लिए बहुत कोशिश करे, लेकिन इंडिया नहीं मानता था। इंडिया को भी ज़रूरत पड़ता था तो इंडिया भी यूज़ कर लेता था उसका। तो इंडिया ऐसे नहीं कि दुश्मनी करता था पानी के लिए, इंडिया यूज़ करता था, मजबूरी था उसका भी, ठीक है। तो लेकिन ये क्या किया पाकिस्तान, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके सवाल उठा दिया इंडिया के ऊपर। तो वहाँ उस बेसिस UNO क्या किया, ये मैटर को सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया कैसे, सॉल्व किया देखिए, यहाँ पे रेड वाले में मैं लिखा हूँ। 1960 में इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी हुआ, किसके ऊपर? इंदस रिवर के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इंडिया को अलाउ करता है सिर्फ 20% ऑफ वाटर को यूज़ करने के लिए। किसका? इंदस का। स्पेशली इस इंदस का सिर्फ इंडिया 20% ऑफ वाटर यूज़ कर सकता है, जिस वो भी किस पर्पज़ के लिए, इरीगेशन के लिए, वो भी पर्टिकुलर तीन जगह के लिए। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे लिए मेजर प्लेसेस थे। ग्रीन रेवोल्यूशन आप आगे चल के पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सब हमारे लिए मेजर प्लेसेस थे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इतना बस आप जान लीजिए, 1960 में एक डील हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया सिर्फ इंदस का कितना पानी यूज़ कर सकता है? 20%, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो मैं आपको बोला गंगा रिवर, द हिमालयन रिवर वाला पार्ट का। तो गंगा रिवर, उसको हम पहले देख चुके थे मैप पर, गंगा रिवर को फिर हम डिस्कस करेंगे मैप पर। उससे पहले हम कुछ इसके बारे में जान लें, गंगा रिवर के बारे में, जो इस टॉपिक में मैं आपको बोला था पहले ही। तो गंगा रिवर कहाँ से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगा रिवर कहाँ से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, और वो अलकनंदा से मिलता है। गंगा रिवर जो है वो अलकनंदा से मिलता है, कहाँ पर? देवप्रयाग, जो कि एक जगह है, कहाँ पर? गढ़वाल। गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? गढ़वाल। और गढ़वाल में जहाँ पर भागीरथी और क्या अलकनंदा मिलते हैं, उसको कहा जाता है देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी जो है, ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये जाकर के किससे मिलता है? अलकनंदा से, और फॉर्म क्या करता है? गंगा रिवर। तो भागीरथी जो है वो सबसे ज़्यादा पानी लेकर के आता है, जिस कारण गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है गंगा का ओरिजिन है, ठीक है। दो रिवर का मिलने के कारण गंगा बनता है, ये मैं आपको अभी फिर से क्लियर कर दूं। दो रिवर का मिलने के कारण गंगा बनता है। और हम जो ये जो अलकनंदा जो है, ये कौन सा ग्लेशियर से निकलता है, ये मैं बता दूं, सतोपंत नाम का एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलता है अलकनंदा। और गंगोत्री जो मैं आपको बताया, गंगोत्री से निकलता है भागीरथी, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर लें। और इन दोनों जब मिलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में, तो क्या फॉर्म करते हैं वो लोग? गंगा रिवर, ठीक है। देवप्रयाग आपसे पूछा कोई कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड में किस जगह में देवप्रयाग है? तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दिया। ये याद रखिएगा, गंगा रिवर गंगोत्री से निकला और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिला है, जो कि उत्तराखंड में,
ठीक है। तो गंगा के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में आकर के मिलते हैं, वो बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज का ही नाम लिया हूँ, कोसी रिवर, ठीक है, यमुना, कोसी बिहार में प्रेजेंट है, यमुना गंगा के एक गंगा के मतलब गंगोत्री से 50 किलोमीटर दूर में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, यमुनोत्री से एक रिवर निकलता है यमुना, तो उसी रिवर, वही रिवर आकर के गंगा में मिलता है। और घाघरा, घाघरा आपको मिल जाएगा नेपाल से एक फ्लो होकर के आता है रिवर, उसको कहते हैं हम घाघरा, ठीक है। रिवर यमुना फ्लोस पैरेलल टू गंगा, रिवर यमुना जो है वो गंगा के पैरेलल फ्लो करता है, पैरेलल आप जानते हैं ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं दोनों, और गंगा से मिलता है कहाँ पर, अलाहाबाद में। भैया पॉज करेंगे वो गंगा का यमुना रिवर जो है वो गंगा से पैरेलल फ्लो होते हुए आता है और गंगा में मीट कहाँ करता है, अलाहाबाद में, ठीक है। अलाहाबाद में वो मीट करता है कहाँ, खुद से गंगा और यमुना अलाहाबाद में जाकर के एक दूसरे से मीट करते हैं। चंबल, बेतवा और सोन, ये तीन रिवर हैं, चंबल, बेतवा और सोन, ठीक है। सोन बिहार में मिलता है यमुना से, ठीक है, यमुना से तो नहीं कहेंगे, गंगा से मिलता है, ठीक है। और चंबल यमुना का ट्रिब्यूटरी है, बेतवा भी यमुना का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और वो सोन रिवर जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। ये तीनों मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज तो नहीं बोलेंगे, ये बहुत सूखे सूखे नदी हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता, ठीक है। ये कहाँ से निकलते हैं, राइजेस फ्रॉम सेमी अराइड रीजन, जहाँ पर थोड़ा मोड़ा बारिश होता है, ज़्यादा पानी भी प्रेजेंट नहीं है, एंड डू नॉट कैरी मच वाटर, जो मैं बोला आपको ज़्यादा पानी ये तीनों रिवर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ जा करके मिलते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तीनों कहाँ जा करके मिलते हैं, गंगा में, कहाँ पे, गंगा में। गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का, फरक्का एक जगह है बंगाल में, ठीक है। गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का, गंगा उत्तराखंड से चालू होता है, फ्लो होते हुए बंगाल तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक, और वहाँ जा करके वाटर डिवाइड हो जाता है। वाटर डिवाइड में इस चैप्टर का पार्ट वन में ही आपके साथ डिस्कस किया हूँ वाटर डिवाइड क्या होता है, अगर नहीं देखे हैं देख लें। फिर भी एक छोटा सा बता दूँ, एक रिवर मान लीजिए ऐसे फ्लो होकर के आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक पहाड़ है रिवर के सामने, ठीक है। तो वो पहाड़ क्या करेगा, रिवर को दो पार्ट में तोड़ देगा, इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट, दोनों रिवर ऐसे बगल से निकल जाएंगे उसका। एक रिवर ऐसे आ रहा है और सामने में पहाड़ है, तो दोनों रिवर उसके बगल से निकल जाएंगे। वो रिवर क्या किया, दो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड जो है वो कहाँ होता है, फरक्का में, जो बंगाल में प्रेजेंट है, वहाँ से क्या होता है, गंगा दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट क्या नाम से जाना जाता है, हुगली, दूसरा नाम पद्मा। पद्मा आपको, अब जब बांग्लादेश जाएंगे, गंगा का नाम क्या है वहाँ पर, ये बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा, ठीक है, गंगा का नाम है बांग्लादेश में पद्मा। और इंडिया में एक हुगली रिवर है, हुगली ब्रिज आप जानते हैं, हुगली ब्रिज जो ब्रिटिश बनाए थे, वो हुगली ब्रिज हुगली नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। और जो गंगा नदी है वो 2500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये बुक से बुक डिफर करता है, कई बुक में 2525 दिया रहता है, जो कि अभी के समय में एग्जैक्ट यही है 2525, लेकिन NCERT 2500 को अभी भी यूज़ करता है, ठीक है। और गंगा नदी इंडस नदी से भी मिलता है, लेकिन मिलने से पहले उनको डिवाइड कौन कर देता है, अम्बाला में एक वाटर डिवाइड बना हुआ है, एक पहाड़ है, वो क्या करता है, इंडस कहाँ बह के जाता है, इससे पहले वाला में हम देखे पाकिस्तान, और गंगा बह करके किधर से जाता है, इंडिया में ही बह करके बांग्लादेश जाता है, ठीक है। तो अम्बाला में इंदस और गंगा को कौन अलग करता है, एक वाटर डिवाइड है, ठीक है। कुछ जगह में ये पूछा जाएगा आपसे, तो जगह का नाम याद रखिए अम्बाला, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं अब इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो आइए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस हिमालयन रिवर का, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हम तीन रिवर पढ़े थे जिसमें दो डिस्कस कर चुके, थर्ड बचा ब्रह्मपुत्र, चलिए उस पर भी जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको सेकंड पार्ट में ही मैं ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो हमारा इंदस है, वो दोनों एक ही जगह से निकलते हैं इंडिया का, मतलब कि एक ग्लेशियर से निकलते हैं। आपको इंडिया का मैप बना करके मैं ये चीज़ समझाया था, ये चीज आपको इंडिया का मैप बना करके समझाया था,
आपको इंडिया का मैप बना करके ये चीज़ समझाया था, जिसमें मैं बात किया था आपसे, आपसे बात किया था यहाँ पर मैं कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम मैं आपको चेमा युंगडुंग बताया था, और वहाँ पर जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चेमा युंगडुंग नाम, वहाँ से यहाँ से एक रिवर निकलता है, पहले बताया था इंदस इधर फ्लो कर जाता है गंगा, यहाँ से फ्लो होकर के इधर निकल जाता है बांग्लादेश, ठीक है, और एक रिवर बताया था जो ऐसे फ्लो होकर के इधर से घूम करके फिर इंडिया आता है, ठीक है। तो ये जो रिवर जो बताया था मैं इधर से घूम करके जो आता है यही है ब्रह्मपुत्र रिवर, यही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जो कि कहाँ से चालू होता है उसी जगह से जहाँ से इंदस चालू होता है। आप देख सकते हैं इंदस का भी मैं यही बताया था, मानसरोवर लेक का ईस्ट से ये सॉरी साउथ से साउथ फ्लो होते हुए चले जाता है, और ये भी उसी तरह ईस्ट से निकलते हुए मानसरोवर का वहाँ से फ्लो होते हुए वो कहाँ जाता है पहले तिब्बत से कुछ रीजन से होते हुए ये कहाँ फ्लो होकर के आ जाता है, ये इतने ऊपर में नहीं है ग्लेशियर, ये भी मैं बता दूँ, ये इतने ऊपर में नहीं है, इसके बॉर्डर एरिया से होते हुए इस कंट्री में घुसते हुए फिर ऐसे फ्लो होकर के इधर आ जाता है, ठीक है। सिक्किम का पहले बॉर्डर से फ्लो होते हुए जाता है फिर फ्लो होते हुए इधर आ जाता है, और जिस जगह से ये टर्न लेता है उस जगह का भी नाम मैं यहाँ पर लाया हूँ, नामच बरवा नाम है जगह का जहाँ से वो फ्लो मतलब वो घूम करके आता है, वो कौन सा जगह है नामच बरवा, जो कि आपको मिलेगा चाइना और म्यांमार के आसपास में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये कहाँ से मानसरोवर लेक से चालू होता है, वही कोर्सेस ऑफ ब्रह्मपुत्र मोस्टली लाइज आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है देख लीजिए अब इंडिया के बाहर ही ज़्यादातर है, वो इंडिया का मैप ये रेड वाला है और उसके बाहर ही देख लीजिए वो ज़्यादातर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयस, आपको बताया था हिमालयस यहाँ पर है, ठीक है, इसके बीच में हिमालय फैले हुए हैं यहाँ से पूरा, ठीक है, और वो देखिए उसके पैरेलल फ्लो कर रहा है हिमालय ये है तो उसके पैरेलल ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो कर रहा है और आगे जा करके घूम रहा है, तो ये पॉइंट वही आपको बता रहा है। फ्रॉम नामचक बरवा रिवर टेक्स यू टर्न, देखिए यहाँ से रिवर यू टर्न ले लिया, इसी जगह का नाम है क्या नामच बरवा, याद रखिएगा यू टर्न ले लेता है और वहाँ पे गॉर्ज बनाता है, पहाड़ को काटते हुए रास्ता जो मैं आपको बताया था, पहाड़ को काटते हुए रास्ता बनाता है और वो फ्लो होते हुए आगे पहाड़ से निकल जाता है, ठीक है। इन तिब्बत मैं होगा तो गॉर्ज का फोटो एक यहाँ पर आपके लिए डाल दूंगा। इन तिब्बत वाटर इन इट इज लेसर एंड व्हेन इट एंटर्स इन इंडिया इट पासेस थ्रू हाई रेनफॉल एरिया एंड कजेस फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश, तो ये पॉइंट आपको बता रहा है कि जब हम तिब्बत में देखें इस ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत से फ्लो होते हुए आता है, मैं जैसे बताया तिब्बत के क्लोज में या बीच में तिब्बत है वहाँ से फ्लो होते हुए इधर आता है वो, और जब वो तिब्बत से फ्लो होते हुए आता है फ्लो तिब्बत में जब वो फ्लो होता है मेरा कहने का मतलब है, तब वहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, मतलब ज़्यादा पानी वहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है, और जिस कारण क्या होता है वो जब वहाँ से फ्लो होकर के जितना पानी भी लेकर के निकल जाए नामच बरवा से जब वो घूम के इंडिया जब आता है तो इंडिया में कुछ यहाँ पे रीजंस हैं, कुछ यहाँ पे रीज़न है जहाँ पर हाई रेनफॉल का संभावना रहता है, बे ऑफ बंगाल का जो पानी का वेव है वो उधर चले जाता है। टेंथ क्लास में आप पढ़ेंगे मानसून, मानसून में आपको बताया जाएगा इंडिया में बारिश कैसे होता है, तो इस रीजन में बे ऑफ बंगाल का जो यहाँ पर जो मानसून का जो बनता है बादल वो इधर जाता है, ठीक है, वो इस तरफ से ऐसे घूमते हुए फिर बाहर निकल जाता है, तो वही वाला यहाँ पर पहुँच जाता है जिस कारण वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, और बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है असम और बांग्लादेश वहाँ पर बाढ़ ले आता है। बांग्लादेश कहाँ है ये भी मैं आपको मैप में बता दूँ, इस कुछ रीजन में बांग्लादेश है, ठीक है, ये तो पानी वाला रीजन है, बांग्लादेश आपको यहाँ से कहीं पर कुछ फैला हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आपको म्यांमार और सब यहाँ से ऐसे इंडोनेशिया ऐसे यहाँ से आपको दिख जाएंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्लियर हो गया, गंगा और इंदस भी, तो हमारा ये जो टॉपिक है रिवर्स हिमालयन रिवर सिस्टम का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम बहुत जल्द पेनिसुलर रिवर का जिसमें हम दो या तीन रिवर को पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वाले पार्ट में कुछ वीडियोस को और कुछ जो बचेंगे उनको डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट्स में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, थैंक यू।